की नमाज जो है वो साफ देख रहे होंगे कि लोग यहाँ जुम्मे की नमाज अदा करके बाहर निकल रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि कैमरे पर कुछ भी बात करने से कतरा रहे हैं और लगातार उन्हें मना भी किया जा रहा है कि कोई कैमरे पर कुछ भी नहीं बोलेगा। इस वजह से लोग जो है वो बात करने से कतरा रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने अपनी ओर से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से बनाए रखी थी और जो कुछ भी लोगों ने बात कही उन्होंने बताया कि अच्छे तरीके से यहाँ हम लोगों ने नमाज अदा की है, वजू की पूरी व्यवस्था की गई थी, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई। हम चाहते हैं कि गंगा यमुना तहजीब हो उसको बेहतर तरीके से रखा जाए और उसके लिए लगातार प्रयास करें। लगातार आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि लोग बात करने से कतरा रहे। चाचा नमाज अदा कर लिए? हाँ, अच्छे से नमाज हुआ? हाँ, हाँ, अच्छे। वजू वगैरह की वजू की व्यवस्था की? देखिए लगातार यहाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं बात करने की, लेकिन कोई भी बात करने से जो है कतरा रहा है। नमाज नमाज अच्छे से हुई? देखिए इन लोगों को लगातार बात करने से मना किया जा रहा है, कुछ भी आपको कैमरे पर नहीं कहना, यही वजह है कि ये लोग कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने बातचीत की उन्होंने बताया कि हमने अच्छे से नमाज अदा कर लिया है, वजू की भी प्रॉपर व्यवस्था की गई थी, उसके साथ ही हमारी भी कोशिश है कि गंगा यमुना जो तहजीब है हमारी वो बेहतर बनी रहे, जिसको लेकर के हम लोग कार्य भी कर रहे हैं। तो कुल मिला जुला करके सर्वे की रिपोर्ट सबमिट होने के बाद जो है आज जो है वो जुम्मे की नमाज सकुशल तरीके से संपन्न हो गई। इसके साथ ही साथ जो है प्रशासन भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था किए हुए था। प्रतिमा तिवारी, ईजीवी भारत, वाराणसी। चीजें सब अच्छे से हो गई, सारी नमाज अच्छे से हो गई, हमारा वजू अच्छे से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वजू की जगह थी, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सारी नमाज अच्छे से हो गई। नमाज अदा कोई दिक्कत नहीं।